अंजुला प्रशिक्षण आर्ट क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। आज क्लास में सभी बच्चों को खूबसूरत टियारा बनाना सिखाएंगे। यह गर्ल्स के लिए सभी बच्चियों को यह सिखाएंगे। यह टियारा बच्चियों एवं लड़कियों के सिर पे लगाने से बहुत ही खूबसूरत लगता है और बहुत ही क्यूट भी लगता है, और यह एक दिन में ही बन जाता है। यह बनाने में बहुत ही सरल है और इसकी सामग्री भी कुछ खास ज़्यादा नहीं है। यह सामग्री अपने नज़दीकी फैंसी स्टोर में मिल जाएगा, तो इसकी सामग्री भी बताते हैं, आप लोग नोट कीजिए। इसकी सामग्री है, यह तार लेंगे दो प्रकार की, मोती, लेस, आर्टिफिशियल गुलाब, जैसे ये आर्टिफिशियल हम लिए हैं आर्टिफिशियल गुलाब, फेविकोल, साटन रिबन, लेस और सुई धागा, इतनी ही सामग्री में बन जाएगा। देखिए आप लोग, जिस भी बच्ची या लड़की का बनाएं उसके सिर से ऐसा पेपर कटिंग पहले कर लें, नहीं तो ज़्यादा बड़ा या छोटा बन जाएगा। ये देखिए हमने इस प्रकार पेपर कटिंग पहले गोलाई में बना लिए हैं, उसके ऊपर तार रख करके इस प्रकार ऐसे नाप ले लिए। अब तार में एक तो मोती वाला बनाएंगे, देखिए जैसे मोती है, एक इसके लड़ी में मोती पिरो देंगे और इस प्रकार मोती डालने के बाद लपेटते जाएंगे। जैसे एक मोती यहाँ रहेगा, एक यहाँ, और बीच में आर्टिफिशियल गुलाब को इस प्रकार चिपकाते जाएंगे। मोती डालने के बाद तार को ऐसे लपेटना है। यह जल्दी एक ही दिन में बन जाता है, बनाने में बहुत सरल है। इस प्रकार एक मोती वाली बनाएंगे। आप लोग पहले ऐसे पेपर कटिंग कर लीजिए सिर का नाप ले करके। ये देखिए एक और बनाएंगे, तो इसमें पहले इस प्रकार इसको तार को ऐसे लपेट लेना है। ऐसे इस प्रकार लपेटने के बाद इसके ऊपर ग्रीन टेप निकालेंगे। ग्रीन टेप को इसके ऊपर पहले इसको अच्छे से इस प्रकार लपेटना है एक दूसरे के साथ, उसके बाद इसके ऊपर ग्रीन टेप लगाएंगे। ग्रीन टेप पूरा यहाँ से यहाँ दोनों सिरा तक लगाएंगे अच्छे से, उसके बाद में आर्टिफिशियल पत्तियाँ, छोटी छोटी पत्तियाँ लगाएंगे। ये देखिए पहले इसको अच्छे से लपेट लेना है। अब बस पूरा होने के बाद इसके ऊपर ग्रीन टेप को लपेटेंगे। इसी प्रकार अब इसमें ग्रीन टेप लगाएंगे। इसका जो कार्नर है उसको अच्छे से मोड़ना है ताकि बच्चियों के सिर में चुभे ना, और उसमें अच्छे से टेप लगा देंगे। ये देखिए हमारा एक टियारा बन चुका है। इसका जो ज्वाइंट आया है, ज्वाइंट में ये आर्टिफिशियल पत्तियों को इस प्रकार रख करके सिलाई करेंगे। ये देखिए यहाँ पे ज्वाइंट है, ज्वाइंट में इसको ऐसे रख दिए और सिलाई करेंगे। तियारा हमेशा, आप लोगों को एक चीज बता दें, गोलाई में ही बनता है। इस प्रकार गोलाई में पहले कटिंग कर लेंगे और बनाएंगे, गोलाई में ही बनता है। ये देखिए यह बन चुका है। अब इसको एक बन चुका है, एक और बनाएंगे। ये देखिए बस इसको सबको टांक दिए हैं, मोती पहले लगाए उसके बाद में बीच बीच में टांक दिए हैं। एक हमारा बन चुका है।
देखो बच्चों, आप लोग ये ग्रीन टेप है चिपकने वाला, और ये गोलाई में जहाँ पे जॉइंट है जॉइंट से ही इसको इस प्रकार लपेटते जाएंगे और यह इसमें इस प्रकार चिपकते जाएगा। ये देखिए, बस ऐसे ही इसको लपेटते जाना है और ग्रीन टेप को पूरी गोलाई में चाहे तो दो राउंड तीन राउंड जितना आप लोगों को अच्छा लगे उतनी राउंड इसको करते जाएंगे, चाहे तीन राउंड चार राउंड इसको, बस ग्रीन टेप को इस प्रकार इसको पूरा लपेटेंगे। ये वाला टियारा इसमें मोती नहीं लगाएंगे, इसमें सिर्फ गुलाब और बीच बीच में पत्ती, गुलाब और पत्ती से इसको बनाएंगे, इसमें मोती नहीं लगाएंगे। ये देखिए, बस इस प्रकार लपेटते जाइए इसको। बस एक चीज का ध्यान रखें, टियारा हमेशा गुलाई में ही बनता है। ये देखिए, इसको जितना राउंड चाहे और हल्के हाथ से ऐसा दबा दीजिए। चाहे तो आप लोग इस प्रकार बटरफ्लाई, आर्टिफिशियल बटरफ्लाई भी बीच बीच में लगा सकते हैं। ये देखिए, हमारा दूसरा वाला टियारा भी बन चुका है। इसका जो ज्वाइंट है वहाँ पे इसको इस प्रकार सिल देंगे। इसके दो कारण हैं, एक तो इसका ये सुंदरता बढ़ जाएगी और दूसरा इससे इसका ज्वाइंट छुप जाएगा। बस इसको दो चार बार इस प्रकार टांग देंगे। हम इस बार बटरफ्लाई किसी में नहीं लगा रहे हैं, उसमें मोती और गुलाब है, इसमें पत्तियाँ और गुलाब तो बटरफ्लाई नहीं लगा रहे हैं। बस ऐसे ही ये सुंदर लग रहा है। ये बहुत जल्दी बनता है, बहुत सरल है और बच्चियों के सिर पे बहुत खूबसूरत भी लगता है। तो आप लोग भी बनाइए, इसकी सारी सामग्री फैंसी स्टोर में मिल जाती है। और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक कमेंट भी कीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।